हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी 1 kg गोल्ड का कंपैरिजन किया है किसी चीज़ के साथ, या फिर इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है, डायमंड की शुरुआत कहाँ से हुई, IPS और IAS में कौन ज़्यादा पावरफुल है? ये सवाल अक्सर हमारे मन में आते हैं, तो चलिए इनके सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पार्ट 3। पार्लियामेंट की लोकसभा, जिसे लोअर हाउस भी कहते हैं, के बारे में तो हम सब जानते हैं, जिसमें 545 सीट्स होती हैं और हर सीट पर उसका एक नंबर लिखा होता है, पर एक नंबर उनमें मिसिंग होता है, 420 यानी कि 420 का। क्यों? क्योंकि IPS धारा 420 के तहत ये नंबर चीटिंग और फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट जैसे ही 419 नंबर आता है, उसके बाद 420 की बजाय 419A आता है। क्या आप ये जानते थे? IPS और IAS के बारे में तो हम जानते हैं, पर एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि इन दोनों में से कौन सबसे बड़ा है, यानी कि किसके पास ज़्यादा पावर है। ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग डिपार्टमेंट में आते हैं और दोनों ही अपने अपने डिपार्टमेंट की हाई पोस्ट है। पर अगर इनकी कुछ पावर्स और इनकी ड्यूटीज़ को देखें तो कहा जा सकता है कि IAS IPS से बड़ा होता है। एक IPS ऑफिसर जितनी मर्जी बड़ी पोस्ट पे हो, एट लास्ट उसे अपनी रिपोर्ट एक IAS ऑफिसर को सबमिट करवानी होती है। तो क्या इसका मतलब IPS IAS को सल्यूट करता है? जी हाँ, बट एक कंडीशन। जब IPS ऑफिसर अपने फुल यूनिफॉर्म में, यानी कि विद कैप में हो, तभी IAS को सल्यूट कर सकता है। आपने अक्सर देखा होगा जब IPS और IAS मीटिंग में मिलते हैं तो IPS ऑफिसर ने कैप नहीं डाली होती। गोल्ड आज सबको अच्छा लगता है, पर बिना उसकी कीमत जाने। गोल्ड का रेट आज आसमान छू रहा है, पर क्या ये ऐसा शुरू से है? शायद नहीं। 1990 में 1 किलो सोने में मारुति 800 आ जाती थी, 1995 में 1 किलो सोने में मारुति स्टीम आती थी, 2005 में 1 किलो सोने में इनोवा आ जाती थी और 2010 में 1 किलो सोने में फॉर्चूनर आती थी, 2020 में 1 किलो सोने में BMW आती थी। और वो दिन भी दूर नहीं जब 1 किलो सोने में एक प्राइवेट जेट आ गया। बात अगर गोल्ड की हुई है तो हम डायमंड को कैसे भूल सकते हैं? इन 1896 इंडिया वाज द ओनली प्लेस वेयर डायमंड्स वर माइंड, और किसी और कंट्री थी ही नहीं जिसके पास डायमंड हो। बट 1896 के बाद साउथ अफ्रीका और फिर धीरे धीरे कई जगहों पर डायमंड की माइनिंग शुरू हो गई, बट फिर भी इंडिया की माइनिंग जारी रही। एक बात इंडिया की इकोनॉमिक की हो जाए, क्या आप जानते हैं इंडिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री कौन सी है? एग्रीकल्चर। जी हाँ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ही पूरे इंडिया में 50% जॉब्स को प्रोवाइड करवाती है। और इतना ही नहीं, ये इंडस्ट्री इंडिया की GDP में 18% कंट्रीब्यूशन भी देती है। आई होप आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे। ऐसी और वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देना फॉर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए।